हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को फ्री टाइम लेबर के बारे में बताऊँगी। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो सामान्य लेबर होता है, सामान्य प्रेगनेंसी होती है, सामान्य प्रेगनेंसी की जो टाइम होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेकर के 40 वीक्स तक होता है, और उसके बाद ही लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन जब लेबर की प्रोसेस 37 वीक्स या 259 डेज पूरे होने के पहले ही स्टार्ट हो जाती है तो यह स्थिति को हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं। और यहाँ लगभग 5-10% केसेस में इस प्रकार के प्रीटर्म लेबर होने की संभावना होती है। ठीक है, सामान्य जो प्रेगनेंसी की अवधि होती है वो अंतिम मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेकर 40 वीक्स तक होती है, और उसके बाद ही लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन जब लेबर की प्रोसेस 37 वीक्स या 259 डेज पूरे होने के पूर्व ही स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रकार की स्थिति को हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं। इसके कुछ कॉसेस होते हैं, मेरी कॉसेस हो सकते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी फैक्टर्स। प्रेगनेंसी फैक्टर्स में हम देखेंगे कि जो इन्फेक्शन सच एस यूटेरियन हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, यूट्राइन और डिस्टेंशन हाइड्रोमियास हो सकता है, यूट्राइन एनोमलीस हो सकती है जैसे कि फाइब्रॉइड्स, और पास हिस्ट्री या प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मेस्ट्रल मेटरनल इलनेस हो सकता है, क्रोनिक इलनेस ऑफ हाई रिस्क हाई फीवर हो सकता है, प्रीमेचर रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है PIH कंडीशन में, फिटल एनोमलीस हो सकती है, कंजिनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। ये प्रेगनेंसी के जो फैक्टर्स हैं इन कारण से भी प्रीमैच्योर लेबर हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे एपिडेमियोलॉजिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि मैटरनल एज है, एक्सटर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, और पुअर न्यूट्रिशन है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से टोबैको कंसम्पशन है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कोइटस रिलेशन ऑफ पोस्टल वेडिंग हो सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट हो सकती है, नेफ्राइटिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, प्लेसेंटा क्लियर हो सकता है, और प्लेसेंटा संबंधित डिजीज हो सकती है। ये सब कारण हो सकते हैं प्रीमैच्योर लेबर होने के। इसके अलावा हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे कि क्लिनिकल जो उसके मैनिफेस्टेशन है वो उसमें गर्भावस्था जो फीमेल होती है उसके गर्भावस्था के 37 वीक्स पूर्ण होने के पहले ही कुछ हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि कंटिन्यू यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। इन कॉन्ट्रेक्शन का जो बीच में जो अंतराल होता है, दो कॉन्ट्रेक्शन के बीच में जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, वो 10 मिनट से भी कम होता है। इसके अलावा हम देखेंगे सर्विक्स का 2 सेंटीमीटर से भी अधिक डायलेटेशन होता है तथा यह लगभग 80% तक FS होता है। और थर्ड हम इसमें देखेंगे कि जैसे जो सर्विक्स होता है, उसका इंटरनल ऑस फनल सेट हो जाता है, जो सर्विक्स होता है उसका इंटरनल ऑस जो होता है वो फनल सेट हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो सर्विस की जो लेंथ होती है वो हमने देखा नॉर्मल जो सर्विस की लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन प्री मैच लेबर की कंडीशन में जो सर्विस की लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें बैक एक वेजनल डिस्चार्ज, पेल्विक प्रेशर जैसे लक्षणों का उपस्थित होना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रिवेंशन है प्रीमैच्योर लेबर का कैसे करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ प्रीमैच्योर लेबर, इसका हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पूर्व में प्रसव की रोकथाम हेतु इसके 3 स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज में हम क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेज में क्या करना चाहिए और थर्ड स्टेज में क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज से प्राइमर स्तर के दौरान हमें क्या उपाय करना चाहिए, फर्स्ट स्टेज के दौरान हम देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हाई रिस्क मतलब जो उच्च जोखिम युक्त जो कारण होते हैं जो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसका पता लगाएंगे और पता लगाकर उसका उचित ट्रीटमेंट उसके लिए हम देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको जो प्रसव के पहले मतलब एंटीनेटल जो केयर होती है वो हम देंगे, और उसके बाद हम ऐसी जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके पूर्व में स्वतः स्पॉन्टेनियस जो एबॉर्शन हुआ है अथवा जो पूर्व में जो इस प्रकार की हिस्ट्री प्रीमैच्योर लेबर की है तो उसका उन कंडीशन में विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसका अच्छे से उसको मेंटेन करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे फर्स्ट स्टेज के दौरान हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड स्टेज के दौरान हमें क्या उपाय करना है कि जो प्रीमैच्योर लेबर का पता लगाने के लिए उचित स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे तथा जो आवश्यकता अनुसार जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट प्रदान करेंगे ताकि गर्भवती जो महिला होती है उसके गर्भ शिशु के किसी भी हाई रिस्क कंडीशन से उसको जोखिम से कॉम्प्लिकेशन किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रसव पूर्व प्रसव समय की पूर्व प्रीटर्म लेबर की जो संभावना होने पर महिला को टोकोलाइटिक ड्रग्स देनी चाहिए। टोकोलाइटिक ड्रग्स में जैसे हैं एंडोमेथासिन, सेकेंड बीटामिमेटिक्स, और थर्ड हम देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि निफिडिफिन, और फिफ्थ मैग्नीशियम सल्फेट। ये ट्रीटमेंट सेकेंड स्टेज के दौरान है उसकी। नेक्स्ट थर्ड स्टेज के दौरान हमें क्या करना चाहिए, थर्ड स्टेज के दौरान हम देखेंगे कि जो भी इस समय जो प्री टर्म लेबर के डायग्नोसिस हो जाने के पश्चात हम जो पेरिनेटल मॉर्बिडिटीज या फिर मॉर्टेलिटी की रोकथाम हेतु किए जाते हैं इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का उपयोग करेंगे। जब प्रेगनेंसी की अवधि 34 वीक्स से कम होती है तो जो गर्भ शिशु के फेफड़ों के मैचुरेशन के लिए इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज के दौरान और थर्ड स्टेज के दौरान हमें क्या उसको कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो समय पूर्व प्रसव को अरेस्ट करने का काम मतलब मेजर्स ऑफ अरेस्ट प्रीटर्म लेबर, सामान्यतः जो प्रसव के अधिकांश केसेस में तुरंत जो प्रक्रिया को हमको संपूर्ण जो प्रोसेस होती है उसको संपूर्ण करना गर्भवती महिला
एवं उसके बच्चे दोनों के लिए हितकर होता है, क्योंकि इस प्रकार के केसेस में हम देखते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रसव की प्रक्रिया को अरेस्ट करना इसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ प्रतिशत केसेस में प्रसव की जो प्रक्रिया को अरेस्ट करने से गर्भवती महिला तथा उसके बच्चों को कोई किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे केसेस में समय से पूर्व प्रसव को अरेस्ट करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं, जैसे कि महिला को अधिक भारी कार्य करने के से रोकना और अधिक घूमने फिरने से उसको रोकना। सेकंड, महिला को जो गर्भवती महिला है उसको पर्याप्त बेड रेस्ट करने की सलाह देंगे। नेक्स्ट, हम देखेंगे जो महिला है उसको इन्फेक्शन के यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको एंटीबायोटिक्स हम देंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे जो महिला है उसको गर्म पदार्थ अधिक मात्रा में पानी देने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टोकोलाइटिक मेडिसिन। टोकोलाइटिक ड्रग्स में हम क्या देंगे कि दवाइयाँ जैसे कि गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए समय से पूर्व जो होने की प्रसव होने की संभावना को यह कम करती है। जैसे कि इसमें हम देखें एंडोमीटर सिंह है, विटामिथोटिक्स है और निकेटिफिन है और मैग्नीशियम सल्फेट, इस प्रकार के ड्रग्स को हम देंगे। नेक्स्ट हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी देंगे, जो समय पूर्व प्रसव के दौरान यदि गर्भावस्था की अवधि 34 वीक्स से कम हो तो फिर गर्भ शिशु के फेफड़े को परिपक्व करने के लिए मेक्चर करने के लिए उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे। इस प्रकार के लिए जो मेडिसिन हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक हमने अभी देखे कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज के दौरान कैसे उसको ट्रीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेजर्स ऑफ अरेस्ट प्रीटर्म लेबर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जैसे कि प्रसव प्रीटर्म लेबर की यदि संभावना के दौरान गर्भवती महिला या प्रेगनेंट वुमेन वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में ही उसको भर्ती करना चाहिए। और जब प्रसव प्रक्रिया के दौरान अनुभवी रोग विशेषज्ञ मतलब कि ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन तथा एनेस्थेटिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। और इस प्रकार की कंडीशन में आसानी से कोई भी अगर ऐसी कंडीशन रहती है आपातकालीन इमरजेंसी कोई कंडीशन रहती है तो वो उसको हैंडल कर सकें। फिर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज के दौरान हमें क्या मैनेज करना है, वो फर्स्ट स्टेज के दौरान हमें जब प्रसव की जो लेबर की प्रगति होती है उसको लगातार बारीकी से मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इस रीति हमें क्या करना है कि जो सर्विस के जो डायलिटेशन होता है, जो एडजस्टमेंट होता है उसके दर तथा जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, अवधि होती है, उसको तथा झिल्लियों की स्थिति को बार बार मॉनिटर करेंगे और उसको हम एक पार्टी द्वार में भी मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम फिटर वेलबींग को सुनिश्चित करने के लिए बार बार उसका एफएचएस हमें देखना है, एफएचएस फिटल हार्ट साउंड हमें देखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को जल्दी से फटने से रोकने के लिए क्या होता है, महिला को बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह देंगे। अधिक चलने फिरने से उसको क्या होता है, झिल्लियों को फटने का लक्षण होने का ज़्यादा डर होता है। लेबर रूम का वातावरण जो होता है वो क्लीन कूल होना चाहिए और कम्फर्टेबल वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो समय पूर्व प्रसव के केसेस में जो फिटस होता है फुली मेजर नहीं हो सकता, मेच्योर नहीं होता है। अगर गर्भवती जो महिला को अनावश्यक रूप से तथा अधिक मात्रा में दवाइयाँ देने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फिटल डिस्टिस की रोकथाम होती है, गर्भवती महिला को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम ऑक्सीजन देने की
शेप का है। इसके अलावा हम देखेंगे कि संपूर्ण जो लेबर की प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार की अनावश्यक जल्दबाजी से हमें बचना चाहिए। इन्फेक्शन के रोकथाम हेतु हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, और यदि वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं है अथवा वेजाइनल डिलीवरी गर्भवती महिला एवं जो फिटस होता है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी को सीजरियन सेक्शन द्वारा ही करवाना चाहिए। सेकंड स्टेज के दौरान हम जो मैनेजमेंट करेंगे उसमें फर्स्ट है, जैसे जो फीटस होता है गर्भ शिशु को वेल बीइंग को मॉनिटरिंग करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे, और यदि आवश्यक जो एग्जामिनेशन करने होते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे महिला की जो जनरल हेल्थ स्टेटस को लगातार हमें असिस्ट करते रहेंगे, और उसके बाद थर्ड हम देखेंगे कि महिला की लगातार मॉनिटरिंग करते रहने चाहिए, और उसके बाद महिला के और बच्चे की दोनों की हमें लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो लेबर के प्रोसेस को हम धीरे धीरे सावधानीपूर्वक संपन्न करेंगे। किसी भी प्रकार की यदि कोई जल्दबाजी हम करते हैं तो उसमें बच्चे को या माँ को दोनों को नुकसान हो सकता है। हम नेक्स्ट देखेंगे पेरिनियल केयर में इंजुरी की रोकथाम हेतु आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना चाहिए। टाइमली एपिसियोटमी हम दे सकते हैं ताकि महिला को किसी प्रकार की इंजुरी से बचाया जा सके। हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो प्रसव प्रक्रिया को सुगम या सरल बनाने की आवश्यकता के लिए फॉर्सेप्स का उपयोग कर सकते हैं। समय पूर्व प्रसव की स्थिति में नवजात शिशु में जो हाइपर बिलरुबिन तथा हाइपर ओलिमिया हो सकता है की संभावना अधिक होती है, तो अतः जन्म के तुरंत बाद ही हम कॉर्ड को बांध देंगे तुरंत, और इसके बाद जो नवजात शिशु होता है उसकी उचित देखभाल हेतु हमें उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देना चाहिए तुरंत। और उसके बाद हम देखेंगे कि समय जो प्रीटर्म लेबर होता है, प्रीटर्म लेबर के समय जो फीटस होता है उसकी हमें क्या देखभाल करनी चाहिए, तो उसके लिए हमें जो म्यूकस शुक्र होता है उस म्यूकस शुक्र के द्वारा जो नवजात शिशु होता है उसको उसके जो एयरवे होता है उसको हमको क्लीन सबसे पहले क्लीन करना है। इसके बाद जो फिटस नवजात शिशु होता है उसको आवश्यकता अनुसार मास्क तथा नेसल कैथेटर के द्वारा उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हमें देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रीटर्म लेबर के दौरान जो नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की जो संभावना अधिक हो जाती है, तो फिर अपने जो नवजात शिशु के शरीर का तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए उसको आवश्यकता अनुसार हम उसको देखभाल करेंगे, और उसके बाद जो नवजात शिशु है तो उसको गर्म कमरे से हमें लपेट के ही रखना चाहिए कमरे के अंदर। और हम इसके अलावा कंगारू मदर केयर का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्लीडिंग होती है, जो रक्षा होती है, उसको रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन हम लगाएंगे, और जो रक्षा के रोकथाम होती है विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। इसके बाद हम यदि नवजात शिशु का जन्म झिल्लियों के प्रीमैच्योर अवस्था में फटने के बाद यदि हुआ है तो क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें प्रोफाइलैक्टिक या एंटीबायोटिक्स हमें एम्पिसिलिन या एमिकासिन लगा सकते हैं, बच्चे को देनी चाहिए वैसे। और उसके बाद हम यदि ऐसे लग रहा है कि मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद
हुआ है तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर एम्पीसिलिन में एंटीबायोटिक के रूप में हम एमिकासिन भी उसको दे सकते हैं। सामान्यतः इस प्रकार हम जो नवजात सखी एवं सॉल्विंग करने की पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं, अतः उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल की फीडिंग जो होता है फीडिंग कटोरी चम्मच फीडिंग अथवा उसको हम इंट्रावेनस फीड के द्वारा मेंटेन करते हैं। तो ये हमने देखा जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए हमें उसको कटोरी चम्मच का उपयोग करना चाहिए। ट्यूब फीडिंग से ट्यूब फीडिंग जिसमें ट्यूब फीडिंग कटोरी चम्मच अथवा इंट्रावेनस फीड के द्वारा उसको शरीर में सॉल्विंग करने के लिए सक्षम नहीं होगी, तब ये कंडीशन का उपयोग हम कर सकते हैं। तभी हमने देखा फ्रीडम लेवल, फ्रीडम लेवल क्या होता है और इसके प्रोसेस क्या है, हमें कि इसके अगर फ्रीडम लेवल है तो उसमें क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे और उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज के द्वारा हम रोकने के क्या उपाय कर सकते हैं और उसका फर्स्ट सेकेंड स्टेज के द्वारा हम उसके उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे और जो नवजात शिशु है उसकी प्रसव के पश्चात समय से पूर्व नवजात जो शिशु होता है उसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। थैंक यू। आई